हे दोस्तों, आज हम बात करेंगे SSCNC सिमुलेशन में वर्कपीस सेटअप किस तरीके से किया जाता है, क्या प्रोसेस रहता है। CNC सिमुलेशन में वर्कपीस सेटअप करने के लिए सबसे पहले हम क्लिक करेंगे वर्कपीस सेटअप पर, जो कि लेफ्ट की तरफ एक आइकन रहता है। उस पर क्लिक करने के बाद हम क्लिक करेंगे स्टॉक साइज पर। स्टॉक साइज पर क्लिक करने पर हमारे सामने एक नया पेज खुल जाएगा। स्टॉक साइज पे पेज खुल जाएगा जिसमें अंदर की आप डायमीटर, वर्कपीस के टोटल लेंथ और वर्कपीस का आईडी भी हो यदि दिया गया हो तो वो भी यहाँ पर इनपुट कर सकते हो। जैसा हमें वर्कपीस में पैरामीटर्स डायमीटर, लेंथ और इनर डायमीटर लिख देंगे। यदि हमें इनर डायमीटर की ज़रूरत ना हो तो हम उसे नॉर्मली जीरो रखते हैं। देन हम ओके पर क्लिक करेंगे। जब हम ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारा वर्कपीस की साइज चेंज हो जाएगी। जैसा कि देख रहे हैं आप, वर्कपीस की साइज चेंज हो गई है। अब चक में वर्कपीस दूसरा लगा दिया गया है। अब चक में से वर्कपीस को आगे और पीछे मैन्युअली करने के लिए हमारे पास लेफ्ट में लास्ट दो बटन्स दिए रहते हैं। एक ऊपर की तरफ रहता है जिसमें क्लिक करने पर बाहर की तरफ वर्कपीस आता है, तथा नीचे की तरफ जो प्रेस बटन रहता है उससे अंदर की तरफ जाता है। वर्कपीस सेटअप करने के लिए सबसे पहले हम क्लिक करेंगे वर्कपीस सेटअप पर। देन वी आर गोइंग फॉर स्टॉक साइज, इनपुट पैरामीटर्स एंड ओके।